हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनिल कुमार है। दोस्तों, मैं आज एक डेप्थ की वीडियो, डिटेल वीडियो, ठीक है, जिससे कि बोर्ड को रिपेयर करने में आसानी हो सके, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे टीवी रिपेयर करते हैं, जो एलईडी स्मार्ट टीवी जो रिपेयर करते हैं भाई लोग, ठीक है, तो डैड बोर्ड जब आता है तो उनको ये आइडिया लगना चाहिए कि बोर्ड को जो शुरुआत है, जब डैड बोर्ड हम जब चेक करें तो कहाँ से शुरू करें, ठीक है। क्योंकि जब डैड बोर्ड हो जाता है, जब आपकी एलईडी भी नहीं जल रही होती है, तब हमें देखना है कि बोर्ड में कहाँ दिक्कत है, कहाँ से शुरुआत है, और उसकी जो डिटेल है यानी कि जो डेप्थ की चेकिंग है वो हमें आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसकी बहुत रिक्वायरमेंट भी थी और मुझे लग भी रहा था कि स्टैंड बाई वोल्टेज, क्योंकि ज्यादातर केस आता है कि टीवी स्टैंड बाई में नहीं है, तब भी स्टैंड बाई में लाओ, ठीक है, फिर देखते हैं ऑन हो रही है कि नहीं है। अगर स्टैंड बाई में आती है तो फिर भी दिक्कत आती है कि स्टैंड बाई में से रिलीज कैसे करनी है जिससे टीवी ऑन हो सके। तो आज ना मैं आपके सामने एक यूनिवर्सल बोर्ड जो आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह का हो, कॉम्बो के अलावा जो विथआउट सप्लाई के बोर्ड आ रहे हैं यूनिवर्सल, वो वाले हों, कोई भी हों, जो चाइना के आ रहे हैं यूनिवर्सल आ रहे हैं, उन बोर्डों के लिए मैंने, अगर आपको देखिए, अगर आपको पावर सप्लाई में कोई दिक्कत आती है, उनकी कॉम्बो वाले जितने भी हैं या बिना कॉम्बो वाले हैं, ठीक है, तो वो भी आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक। हमें बहुत अच्छा लगता है, जैसे कभी बहुत दूर दूर से कॉल भी आती है, पूछते भी हैं, किसी को सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, कोई टीवी में कहीं दिक्कत आती है, ठीक, अपने स्टूडेंट तो पूछते ही पूछते हैं, अदर जो हमारे व्यूअर्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है कि चलिए कम से कम किसी के काम वीडियो आ रहे हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर वीडियो को मैं ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये एक आप डायग्राम देख रहे होंगे पीछे बोर्ड पे, और जहां पे मैंने शुरुआत में एक लाइन लिखी हुई है, यूनिवर्सल एलईडी बोर्ड 5 वोल्ट STB, यानी कि स्टैंड बाई की जो वोल्टेज नहीं बनते हैं उसमें आपको क्या चेक करना है और कितना डेप्थ में जाना है, वो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है। और ये ना इस तरह का कोई रेगुलेटर मिल सकता है आपको 5 पिन, कई बार यूनिवर्सल में क्या है, एक रेगुलेटर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है, ये आपका एक रेगुलेटर है, ठीक है, आईसी बनाने वाला, ठीक है। ये रेगुलेटर 5 पिन का भी मिल जाता है किसी किसी में, और 6 पिन का, मतलब 5 या 6 पिन का मिल जाता है, ये चाइना में होता रहता है, जो यूनिवर्सल बोर्ड है 5 पिन 6 पिन, मोर देन आपको 6 पिन का ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो मैंने मैंने भी यहाँ पर 4-5 पिनों की ही डिटेल ली है, 1 2 3 4 5 6 6 पिन का पूरा एक डिटेल ले लिया मैंने। और ये आपका रेगुलेटर है, ये वाला सामने जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये रेगुलेटर ये लगा हुआ है, और वो दिखने में कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब आपको इसको समझना है, देखिए, अगर आपने ये समझ लिया तो आप 5 वोल्टेज स्टैंड बाई वाले बनते हैं किसी भी बोर्ड में, किसी भी यूनिवर्सल बोर्ड में। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली और समझ लिया तो आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है, ये गारंटी है, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि ये जो यहां से देखें, ये 12 वोल्ट का एक, अगर आपको, फिर मैं कह रहा हूं, अगर सप्लाई अगर आपको अच्छे से आती है, सप्लाई में कोई इश्यू नहीं है आपका, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर से जब आपका SMPS लगा होगा, उससे जब आउटपुट होगा तो इस टाइप का एक डायोड लगा होगा वहां पर, ठीक है, समझ लीजिए, मैं आपके लिए बना के दिखा रहा हूँ, इस टाइप का एक डबल डायोड लगा होगा, इस टाइप का, ठीक है, यहां से इस टाइप, जहां पे इनपुट और इनपुट, ये आपका ट्रांसफार्मर में लगी होंगी दोनों पिने, और यहां से आपका क्या होगा, ये 12 वोल्ट आउटपुट हो रहा होगा, ये समझ लीजिए, ये 12 वोल्ट, ठीक है। आओ, तो अब आपको शायद आसानी और हो जाएगी समझने में कि यहां पे डबल डायोड लगा हुआ है, या हाफ ब्रिज बोल सकते हो, ये क्या करेगा, यहां से AC को इन करेगा, ठीक है, और यहां पे आपका DC आउट कर देगा, ठीक है, AC इन DC आउट हो जाएगा, ये इस तरीके से यहां पे ये वोल्टेज आके आपके फिल्टर और स्टोर हो जाएंगे, ठीक। आपको क्या ये कैपेसिटर देख रहा है यहां से आने के बाद इस टाइप का, और ये मैं सभी यूनिवर्सल बोर्ड के लिए है। तो जो भाई हमारे दिक्कत आती है कि इस टाइप का कैसे देखें, किसी और के पास टीवी लेके जा रहे हैं, तो ये आपको इसमें बहुत मदद मिलने वाली है, और जिनको आता है
उनको भी अगर डेप्थ में नहीं पता तो उनको भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 12 वोल्ट आपके यहाँ इस कैपेसिटर पर एक अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। वहां पर एक कैपेसिटर भी लगा होगा, लगभग 16 वोल्ट का हो सकता है या 25 वोल्ट का आपको मिल जाएगा। और वहां पर आपके कितने इनपुट होंगे, 12 वोल्ट, ठीक। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि ये 12 वोल्ट आपको कहां से मिलने वाले हैं, SMPS से आउट होके यहाँ पे 12 आपको मिल जाएंगे। और आपके लिए यहाँ पे एक पावर के लगभग 25-25 वोल्ट के दो PF अक्सर करके इनको बोलते हैं ज्यादातर टेक्नीशियन, और हम लोग भी इनको फिल्टर बोल देते हैं, कोई PF बोल देता है, कोई नॉन पोलर कैपेसिटर बोल देते हैं, NPC, ठीक है। तो इनका एक सेल्फ नेचर भी रहता है कि DC को रोकता है। देखिए DC को क्यों रोक देता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है आपका सिंबल इस तरीके से बना हुआ है, क्योंकि इधर का पोर्शन ऊपर का ऊपर अटैच है, नीचे का नीचे है, तो DC वोल्टेज तो इस पोर्शन के बाद यहाँ नीचे नहीं आने देगा। लेकिन अगर इस लाइन का कोई भी फॉल्ट होता है, शॉर्टिंग होती है, इधर शॉर्टिंग होती है, तो ये तुरंत क्या होते हैं दोनों, या एक लगा हो वहां पे या दो लगे हो, आपको लाइन पे देखना है, तुरंत क्या होते हैं ये लीकेज हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है। तो इसके लिए ये प्रोटेक्शन बन जाती है, क्या बन जाती है, प्रोटेक्शन, ठीक है, सेफ्टी, सुरक्षा, ठीक है। कई लोग पूछते हैं कि ये क्यों लगे, तो इसका काम होता है सेफ्टी करना, ठीक है, सेफ्टी करना यानी सुरक्षा करना, ठीक है, प्रोटेक्शन करना, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों क्यों लगे, सेफ्टी करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए। अब जैसे आप देखोगे कि इस लाइन पे आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, आप रेगुलेटर पर पहुंच जाओगे सीधा, ठीक है। इस पिन पे 12 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आपने देखा कि सीधे 12 वोल्ट पहुंच रहे, ठीक। क्योंकि इस रेगुलेटर को हमें क्या करना है, इसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है और फिर फाइनल चेक करना है सही है खराब है क्या है। तो अब यहां से आप देखोगे 12 वोल्ट आपके इन हो रहे हैं, ठीक है, इन हो रहे हैं, उसके बगल में एक और पिन है, तो इस पिन पे आपको चेक करने लगभग यहाँ पे एक 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा होगा, और रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा आपका इस टाइप का। देखिए फिजिकली मैं आपको दिखा देता हूँ, बॉडी इस तरीके से होगी और बीच में जो होगा वो इस तरीके का होगा बीच में, ठीक है, ऐसे इस टाइप से वो क्या होगा कि बीच में ब्लैक कलर का होगा ऐसे, ठीक है, समझ लीजिए ब्लैक बॉडी सिल्वर लाइन जिसको आप बोलते हो या समझते हो इस तरीके से, ठीक है, ये दोनों तरफ सिल्वर लाइन हो जाएगी जो लगी हुई होगी वहां पे। तो ये एक रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे देखना है कि रेजिस्टर आपका कितनी वैल्यू का है, लगभग 100 kg की वैल्यू होनी चाहिए, और ये क्या कर रहा है लगभग यहाँ पे आपको 3 वोल्टेज, ठीक है, लगभग 3 वोल्टेज इनेबल की पिन पर अवेलेबल होने चाहिए। क्योंकि जब देखिए इनपुट हो गया, आपने चेक कर लिया इनपुट हो रहा है, इनमें कोई शॉर्टिंग भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये इसमें से कोई भी शॉर्टिंग शो कर रहा है, जैसे अगर आप यहां से चेक करेंगे मल्टीमीटर को, यहाँ पे रखिए रेड प्रोब को, और जब आप ब्लैक प्रोब यहाँ और यहाँ लगाएंगे तो आपकी एक तरफ वैल्यू बननी चाहिए इधर, ठीक है, टेस्टिंग में क्या आनी चाहिए, इधर वैल्यू आनी चाहिए, ध्यान रखना, और इधर आपकी बीप बननी चाहिए। तो मैं आपको ये डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको चेक करने में कोई दिक्कत ना हो, गलती ना हो, ठीक है, सेफ्टी से आप चेक कर पाओ। तो यहाँ पे आपके इस तरीके से रहना चाहिए। अब आप यहाँ पे इनपुट चेक कर लोगे, ठीक, जब आप यहाँ पे इनपुट चेक कर लोगे, देखिए समझ लीजिए यहाँ पे अच्छे से, क्योंकि कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जब आप इनपुट देख लोगे, इनेबल पे इतने 3 वोल्टेज होनी चाहिए, और ग्राउंड आपको चेक करना है IC का। IC की 3 चीज है इसमें, मैं आगे और वोल्टेज जो है वो आपको बिल्कुल डेप्थ में समझा दूंगा, पूरा बोर्ड घर बैठे रिपेयर कर लोगे आप, गारंटी से घर बैठे रिपेयर करोगे आराम से, आपको थोड़ा बहुत भी जानकारी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इनेबल चेक करना है, ग्राउंड, 3 चीजें आपको चेक करनी ही करनी है। ये 3 चीजें जैसे IC को मिलेंगी इसको मिलेंगी, ठीक है, तुरंत आपकी IC से एक यहां से वोल्टेज आउट होगा यहां से, और वो वोल्टेज आपका इस एक कॉइल लगी होगी पास में, ठीक है। अगर इसको पहचानने का एक तरीका और है, यहाँ पे मैं सिंबल भी बना सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये बड़े साइज की कॉइल होगी, थोड़ी बड़े साइज में, ठीक है, बड़े
साइज में कॉल होगी, आप ध्यान रखना इसको थोड़ा सा। मोर देन 99% मॉडलों में क्या होगा, कॉइल थोड़ी बड़ी साइज की लगा देते हैं, ठीक है। एक आध परसेंट क्या होता है कि कॉइल इक्वल लगा देती है, कुछ लॉयड कंपनी कुछ ब्रांड और हैं जो इक्वलिटी कर देती है, थोड़ा इक्वल कर देती है कुछ, ठीक है। उनके लिए मैं अलग और वीडियो बना दूंगा आपके लिए। आप ज्यादातर आपको यूनिवर्सल बोर्ड है उनमें क्या मिलेगी, 5 वोल्टेज की कॉइल थोड़े बड़े साइज में मिलेगी, आप उस पर जाके देखिए आपके वोल्टेज जो है 5 अवेलेबल होंगे, ठीक है। अगर यहाँ 5 अवेलेबल है तो यहाँ पे एक बैकअप का और फीडबैक की दो पिन और देखनी है आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या है नॉन पोलर कैपेसिटर लगा है इसकी प्रोटेक्शन के लिए, और यहाँ से 18 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लगा के, 18 से 20 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पे ये लग जाएगा आपका एक रेजिस्टर, ठीक है। और यहाँ से सीधा इसको वोल्टेज ड्रॉप करके दे देंगे लगभग, ठीक है, 2.5 वोल्टेज के आसपास आप यहाँ पे देखोगे, और यहाँ से एक फीडबैक मिल जाएगा। देखिए ये सब मिलने के बाद इतना अच्छा, अगर मान लीजिए आईसी इतना आपका बना रही है वोल्टेज, उसके बाद अगर कई लोग ये पूछते हैं कि जब वोल्टेज बना रही है आउट हो रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई दिक्कत हो जाए तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे अगर दिक्कत होती है, कोई भी फॉल्ट बनता है या ये खराब होता है, तो आईसी को क्या अपना फीडबैक या बैकअप मिलना बंद हो जाएगा। जब बैकअप मिलना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपका वोल्टेज जाना बंद हो जाएगा, आईसी काम करना बंद कर देगी। तो सिंपल सी यहाँ से हमें देखना है कि ये दोनों ओके होने चाहिए, और सीधा आपको ये आईसी के आसपास ही सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से सीधे आपको एक रजिस्टर यानी ये डिवाइडर बना हुआ है, डिवाइडर, ठीक है, 3 किलो ओम 100 किलो ओम का है लास्ट वाला, और ये लगभग 20-22 ओम का रेजिस्टेंस है, यानी इस ऐसे रेजिस्टर को आप बोलोगे लो वैल्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो वोल्टेज आउट हुआ है, अगर ये किसी कारण वोल्टेज ज्यादा हो जाए कम हो जाए, तो ये आईसी को पता होना चाहिए, हर आईसी पे ये फीडबैक जाता जरूर है हमेशा आप देखना। और आगे से कभी भी आईसी चेंज करने से पहले, मैं इसीलिए ये सब बना के आपको बता रहा हूँ, आईसी चेंज करने से पहले आईसी के आसपास लगे कैपेसिटर रजिस्टर आपको अच्छे से देख लेने, चेक कर लेने, और कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई डिवाइडर में गड़बड़ आ गई हो, यानी ये जो रजिस्टेंस लगे हो यहाँ पे कोई गड़बड़ हो रही हो आपकी, ठीक है। अगर कोई भी रजिस्टर गड़बड़ करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाए तो फीडबैक में गड़बड़ हो जाएगी, तो फीडबैक कम हो गया, ठीक है, या ज्यादा हो गया फीडबैक, तो क्या होगा यहाँ पे 8 फुट पर सीधे सीधे फर्क पड़ जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने देखिए, यहाँ पे आपको ये दोनों रेजिस्टेंस देखने, और यहाँ पे आपको फीडबैक देखना, फीडबैक भी लगभग 2.5-3 वोल्टेज ही देखने आपको इन पिनों पे, ये ध्यान रखना 2.5-3 वोल्टेज ही आप इन पे देखोगे, ठीक, और ग्राउंड तो है ही आपका, तो आपको समझ में आ गया होगा ये डिवाइडर, ठीक है, ये आपका प्रोटेक्शन हो गई, ओवरवोल्ट प्रोटेक्शन भी हो जाएगी इससे, और यहाँ से एक वोल्टेज फीडबैक के लिए भी चला जाएगा, ठीक। अब ये फिल्टर हो गया और ये सर्किट की प्रोटेक्शन हो गई, जिससे लाइन आपकी सेफ्टी से चले। इस टाइप का कभी कोई कंपोनेंट आपको खराब मिलते हैं, ये जितने पैरल में लगे हुए ये वाले, ठीक है, खासकर ये तो आपको लगाना पड़ेगा, ये पैरल में लगे हैं जो कैपेसिटर वगैरह है, या कोई जीना डायोड पैरल में मिल जाए आपको इस लाइन पे, अगर कोई फुक जाता है खराब हो जाता है लीकेज हो जाता है तो ओपन हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, सीधे ही हटा दीजिए, ठीक है। आप पे अवेलेबल है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं है तो उसके बिना भी सर्किट आपका रेडी हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे दो चीज आपको लिखी हुई है, एक लिखा है ये वाला वोल्टेज और एक लिखा है 5 वोल्ट STB। देखिए ये 5 वोल्ट जो LED में जो लाइट ग्लो हो रही होती है, लाइट जल रही होती है हरी पीली जितनी भी जो भी है लाइट ब्लू कलर की किसी LED में जलती है, तो लाइट जो जल रही होती है वो 5 वोल्ट आपको स्टैंड बाई का दिखा रहा होता है कि हाँ हमारे बन रहे हैं, ठीक है। जिस यूनिवर्सल बोर्ड में ये लाइट नहीं जल रही है, तो सबसे पहले आप यहाँ से शुरू करिए और वहां तक की सारी चीजें चेक करिए प्रॉपर। आपको आईसी का देखो फॉल्ट होगा वो बात की बात है, अगर पहले ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, ये वाले कंपोनेंट्स हैं जैसे आपको बताया है समझाया है डिटेल में, वो आपको चेक करने हैं, ठीक है। और ये जो वोल्टेज है ये आगे आपका जो 3.3 वोल्टेज बनेगा, ठीक है, आपके 1.8 वोल्टेज बनेगा, 1.2 बनेगा, ठीक है,
ये जो वोल्टेज बनेंगे जो बोर्ड की अलग से रिक्वायरमेंट है, जैसे फ्लैश आईसी चलानी है, उसके अंदर का रोम एक्टिव करनी है, रैम एक्टिव करनी है, कोर एक्टिव करनी है, ठीक है, तो सीपीयू की भी रिक्वायरमेंट है, वो मैं एक साथ समझा दूंगा आपको, ठीक है। अभी के लिए मैंने ये क्यों, क्योंकि एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इससे बहुत ज्यादा, ठीक है, लोगों को ये डेड हो गया, सीधे बोर्ड चेंज कर दो भाई। भाई आप एक बार चेक तो करिए, क्या पता आपका कोई रजिस्टर कैपेसिटर ही खराब निकले, हो सक इससे आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपके आपके कस्टमर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई कोई दो, मान लो ये कैपेसिटर खराब हो गए, फिर इनको हटा दोगे, बोर्ड चालू हो गया, उससे क्या हो गया, कस्टमर का भी सेविंग और आपकी भी सेविंग। तो देखिए भाई आप प्रॉपर चेक करिए ये, ठीक है, और अगर कोई भी दिक्कत आती है चेक करने में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बहुत सारे भाई लोग पूछते हैं मैसेज करके जो हमसे नहीं सीख रहे हैं। और अगर आपको ट्रेनिंग करनी है, नंबर आपको कमेंट में भी मिल जाएगा, बॉक्स में भी मिल जाएगा, यहाँ पे नीचे जो पट्टी चल रही है आप उस पर देख लीजिए, कॉल करिए। और सीखना है आपको डेप्थ में किसी भी तरह का एलईडी कोर्स, लैपटॉप का कोर्स या मोबाइल का कोर्स, तो आप सीखिए आइए। और कोई भी फॉल्ट, कोई भी चिप, कोई भी आईसी, तब तक आप मत हटाइए जब तक आप पूरे उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट फाइनल ना कर फाइनल कर ले, देख ले कि भाई सब कुछ ठीक है, आईसी में ही फॉल्ट है, तब बदलिए। नहीं तो मैं आपको ये डेप्थ में बता रहा हूँ, बिल्कुल कोई नहीं बताएगा आपको, या 100% मैं बता रहा हूँ आपको इतनी डेप्थ में जानकारी, तो आप ये सीखिए, ठीक है। फिर मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लगा, आप रिपेयर कर